उमरान मलिक की जगह खाने आया ये खूंखार गेंदबाज, जल्द होगी टीम में एंट्री। गौतम गंभीर के साथ है खास कनेक्शन। सूर्य के बाद अब एक और यादव जी का छोरा काटने आ रहा है भारी बवाल, जब फेंकता है गेंद तो अच्छे अच्छों के कांप में लगते हैं पैर। उधर इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारत के 15 खिलाड़ियों का हुआ ऐलान, 5 IPL स्टार्स को एक साथ डेब्यू का मिला मौका, नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप। साल 2022 में अपनी गेंदबाजी से सनसनी मचाने वाले उमरान मलिक को इंडियन सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया से दरकिनार कर दिया है। IPL 2022 में कातिलाना गेंदबाजी करने के बाद उमरान मलिक को भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिला था, लेकिन अब उनके लिए टीम में जगह बनाना काफी चैलेंजिंग हो गया है। लंबे समय से वो भारत की जर्सी में नहीं नजर आए हैं, वहीं अब उमरान मलिक के लिए टीम में वापसी करना और भी मुश्किल हो गया है। 21 साल के गेंदबाज ने उनकी जगह के लिए दावेदारी ठोक दी है। गौतम गंभीर से इस खिलाड़ी का खास कनेक्शन है और माना जा रहा है कि इस गेंदबाज की अब जल्दी टीम इंडिया में एंट्री हो सकती है। दरअसल IPL 2022 में अपनी गेंदबाजी की रफ्तार से हर किसी को हैरान कर देने वाले उमरान मलिक लंबे समय से टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं। पिछले 1.5 साल से उन्हें भारत की जर्सी पहनने का मौका नहीं मिला। टीम इंडिया के सेलेक्टर्स उन्हें ड्रॉप कर अन्य युवा तेज गेंदबाज को मौका दे रहे हैं। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 22 साल के तेज गेंदबाज को उमरान मलिक की जगह मिल सकती है। इस खिलाड़ी का भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर के साथ एक खास रिश्ता है। ये गेंदबाज भी घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की टीम को प्रेजेंट करता है। वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि इस खिलाड़ी की जल्द ही टीम में एंट्री होगी। हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि तेज गेंदबाज मयंक यादव है। IPL 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से खेलते हुए मयंक यादव ने प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाया था। IPL 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए एक मुकाबले में मयंक यादव ने 156.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मयंक यादव की इस गेंदबाजी को देखने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी जगह उमरान मलिक का टीम में वापसी करना मुश्किल होगा। दरअसल मयंक यादव के पास गेंद में स्पीड के साथ ही कंट्रोल भी है, जबकि उमरान मलिक के पास कंट्रोल का अभाव है और इसके चलते ही उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा है। इसके अलावा जब भी उमरान मलिक को अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिला तो वो इसका फायदा उठाने में नाकाम रहे। 10 वनडे मैच में उन्होंने 13 विकेट झटके, जबकि 8 T20 मैच में उनके नाम 11 विकेट दर्ज हैं। भारतीय क्रिकेट टीम हाल ही में श्रीलंका दौरे से वापस लौटी है, जहां टीम इंडिया ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 3 मैचों की T20 सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की थी। इस दौरान टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कई सारे युवा खिलाड़ियों को टीम इंडिया में मौका दिया था। गंभीर T20 वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए भारत बनाम इंग्लैंड T20 सीरीज में भी युवाओं को मौका देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इस सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर कई सारे नए खिलाड़ियों को आजमाते हुए दिख सकते हैं। गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अभी से टीम की तैयारी करने की योजना पर लगे हुए हैं। ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की लंबी T20 सीरीज में गौतम गंभीर टीम इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग के 5 स्टार खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, जो IPL में अलग अलग टीमों के लिए खेलते हुए नजर आए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम में 5 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। इस लिस्ट में इंडियन प्रीमियर लीग में KL राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स के तूफानी तेज गेंदबाज मयंक यादव को डेब्यू का मौका मिल सकता है। विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले रजत पाटीदार, कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज हर्षित राणा, सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और प्रीति जिंटा पंजाब किंग्स के विस्फोटक बल्लेबाज शशांक सिंह को पदार्पण का मौका मिल सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेली है। इस सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर कई सारे नए खिलाड़ियों को आजमाते हुए दिख सकते हैं। गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भी अभी से टीम की तैयारी करने की योजना पर लगे हुए हैं। ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 5 मैचों की लंबी T20 सीरीज में गौतम गंभीर टीम इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग के 5 स्टार खिलाड़ियों को पदार्पण का मौका दे सकते हैं, जो IPL में अलग अलग टीमों के लिए खेलते हुए नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।